तो हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे हो। सो वीडियो को लेट ना करते हुए सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज का फिनोल। ये फिनोल होता क्या है और इसे कैसे बनाया जा सकता है और इसके यूजेस क्या हैं, ये हमारा कहाँ मिलता है और ये देखने में कैसा होता है, तो आज की इस वीडियो में हम फिनोल टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जानते हैं ये फिनोल होता क्या है। जो फिनोल है ये है एक केमिकल कंपाउंड होता है और एक तरह का ये कार्बोलिक एसिड भी होता है। गाइस हाँ, ये एक एसिड होता है, पर ये एक ऐसा एसिड होता है जो हमारे जो स्किन है उसको बिल्कुल भी नहीं जला सकता, तो इसे हम कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हैं और ये केमिकल कंपाउंड तो है ही। ये जो फिनोल होता है ये तीन केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये केमिकल कंपाउंड और ये केमिकल एलिमेंट क्या होता है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप वो वीडियो देखकर ये केमिकल एलिमेंट और केमिकल कंपाउंड के बारे में जान सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप केमिकल बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले अगर आप केमिकल बनाने जा रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको केमिकल एलिमेंट के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि गाइस जितने भी दुनिया के अंदर केमिकल तैयार हो रहे हैं वो सब केमिकल एलिमेंट की वजह से तैयार हो रहे हैं। और गाइस जो केमिकल एलिमेंट है वो जितने भी वन बाय वन आपको कहीं भी उनके बारे में बुक नहीं मिलेगी। तो गाइस मैंने काफ़ी सर्च किया वन बाय वन केमिकल एलिमेंट के बारे में, बट कोई बुक नहीं मिली। इस पर मैंने एक बुक तैयार की जिस पे वन बाय वन केमिकल एलिमेंट लिखे हुए हैं और उनके बारे में डीपली से उस बुक के अंदर मैंने लिखा है और अच्छी तरह से समझाया भी है, तो आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ और उसे पढ़ो और रेडी हो जाओ केमिकल बनाने के लिए। और गाइस जो फिनोल है इसका फॉर्मूला होता है C6H6O। गाइस जो फिनोल है इसे कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कार्बोलिक एसिड, फैनिक एसिड, फिनोइल एसिड। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया ये भी एक तरह का एसिड होता है, बट ये हमें किसी भी तरह से डैमेज नहीं कर सकता। तो गाइस जो ये फिनोल होता है, ये फिनोल देखने में जो है आपको एक क्रिस्टलाइट ठोस में दिखाई देगा, यानी वाइट वाइट कलर का। पोज मान लीजिए जो आपके पास बर्फ़ पड़ा है उसे इतने मतलब इतना तोड़ तोड़ के इतने बारीक बारीक जो है टुकड़े कर लीजिए उस बर्फ़ के और फिर उसे इकट्ठा कीजिए और एक तरह से वो भी क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारा फिनोल होता है ये भी इसी तरह का होता है, वाइट कलर का क्रिस्टलीय ठोस होता है देखने में। तो गाइस अब बात करते हैं फिनोल को किस तरह से बनाया जाता है, यानी किस तरह से इसे तैयार किया जाता है। क्लोरोबेंजीन को 350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 320 एटमोसफेयर पर जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी NaOH होता है, इसके साथ हमारा रिएक्शन कराई जाती है। इस रिएक्शन को कराने पर सोडियम फिनोक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा अम्ल है यानी एसिड है इसके साथ अपघटित करके हमारा फिनोल को तैयार किया जाता है। और गाइस एक होता है हमारा फिनाइल। तो फिनाइल और फिनोल में काफ़ी अंतर है। जो फिनोल होता है ये एक केमिकल कंपाउंड है, इससे ही मिलकर फिनाइल भी तैयार किया जाता है। अगर आप घर के लिए साफ सफाई के लिए आप फिनाइल तैयार करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए वो भी बता देता हूँ। आपके पास शुद्ध वाटर होना चाहिए यानी प्यूरीफाई का वाटर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर वाला फिनाइल होता है उसे आपको परचेज करना पड़ेगा और उसके अंदर मिक्स करके आपका फिनाइल तैयार हो जाता है जो घरों में क्लीन के लिए यूज़ किया जाता है। भाई जब बात करते हैं हम फिनोल को कहाँ कहाँ यूज़ में लिया जाता है,
तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ जो है कीटनाशक यानी जो हमारा खेती वगैरह होता है ये उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। रंजक होया हमारा, या विस्फोटक होया जो यानी बम बारूद वगैरह बनाते हैं। और गाइस जहाँ रबड़ होती है, रबड़ हमारी बनती है, रबर तो कहीं भी बनती होगी या इंडस्ट्रियल एरिया में, फैक्ट्री वगैरह में, तो इसके निर्माण के लिए भी जो है ना फिनोल का यूज़ किया जाता है। और गाइस जो हमारा घर वगैरह होता है उसमें साफ़ सफाई होती है हमारी फिनाइल के अकॉर्डिंग, तो ये उसमें भी यूज़ होता है फिनोल। बात करें इसे फिनोल को या फिनाइल को, फिनाइल को तो खैर आप अपने घर पर ही तैयार कर लेंगे, आपको ऑनलाइन अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा, और आप अपने नियर बाई शॉप पे भी जा सकते हो जहाँ पेंट का काम किया जाता है। और गाइज मैंने आपको बता दिया है फिनाइल, फिनाइल भी इससे ही तैयार होता है, यानी कंस्ट्रक्टेड वाला जो फिनाइल होता है तो उससे ही इसका जो हमारा घर पे फिनाइल तैयार किया जाता है वो भी इसी से तैयार किया जाता है। तो गाइज़ आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइज हम इस चैनल पर केमिकल कंपाउंड, केमिकल एलिमेंट और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियाँ जो होती हैं हमारे इस चैनल पर शेयर की जाती है। और गाइज अगर आप इस टॉपिक पर कोई कन्फ्यूज़न हो आपका तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपका जवाब हम ज़रूर देंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।